हम स्वागत करते हैं यीशु के नाम पे, वैसे ही स्वागत करना उसका काम है जिसने आपको बुलाया। स्वागत करना उसका काम है जिसका ये घर है। स्वागत करना उसका काम है जो मालिक है, वो आपको स्वागत करता है। लूकस अध्याय 9 वचन 11, लोगों को पता चला यीशु वहाँ हैं, तब वे उनके पीछे हो लिए। तब ईसा ने उनका स्वागत किया। वो प्रभु 2000 साल पहले अपने पास आए हुए प्रिय लोगों को खड़े होकर स्वागत दिया। वो यीशु आज जिंदा है। जीसस इज द सेम। वो आज भी कल भी हमेशा एक रूप रहता है, वो नहीं बदलता है। वो प्रभु आज आप लोगों का स्वागत करते हैं। हालेलुया। यीशु हमारा स्वागत करता है। आपको जिसने बुलाया, यहाँ तक सुरक्षित लेके आया, यहाँ तक आने के लिए जितने कष्ट उठाने के लिए आपको प्रेरणा दिया, और जिसने कहा जिन्होंने कृपा नहीं पाई वो मेरे पास नहीं आ सकता, पिता के द्वारा जिनको आकर्षण नहीं मिला, कृपा नहीं मिली, वो मेरे पास नहीं आ सकता। घूमने के लिए आप अपने से जा सकते हैं, लेकिन यीशु के वचन सुनने के लिए आना हो तो उसके पीछे एक आशीर्वाद आपने पाया है, एक विशेष आशीष पाई है। जीवन में कठिनाई तो बहुत है, काफ़ी संकट हमारे परिवार में होंगे, आपके व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी परेशानी तो जरूर होगी। उन सभी तमाम परेशानियों के बावजूद आप यहाँ आए हैं, तो एक बात आप मान ले और जान ले, वो यह है ऑलरेडी यू आर ब्लस्ड। आपको एक आशीर्वाद मिल चुका है, एक विशेष आशीर्वाद जिसके चलते आप यहाँ आए। इसलिए उस आशीर्वाद और अनेक कृपाओं को पाने के लिए एक सुरक्षित बुलावा है जिसके ऊपर आप विशेष आशीर्वाद आप पाने जा रहे हैं। इसलिए प्रियजनों, यीशु ने आपका स्वागत किया है, अब यीशु के घर में आप सुरक्षित है। दूसरी बात, प्रभु ने उनका स्वागत किया और ईश्वर के राज के बारे में उनको शिक्षा दिया। क्यों स्वागत करते हैं वो? इसलिए स्वागत किया है जिससे आपको ईश्वर के राज के बारे में यीशु शिक्षा दे सके। अगले 5 दिन आपको यीशु स्वयं शिक्षा देगा। हम दुर्बल पुरोहित धर्म बहने और सेवक सेविकाओं के द्वारा आपको स्वयं प्रभु शिक्षा देंगे। शिष्यों को वचन सुनाने के लिए भेजते समय यीशु ने उनसे कहा, बोलने वाला तुम नहीं होगा, तुम्हारे द्वारा मेरी आत्मा बोलेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, जो तुम्हारी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो तुम्हारा स्वागत करेगा मेरा स्वागत करेगा, जो तुम्हारा आदर करता है मेरा आदर करता है, जो तुमको नहीं सुनेगा वो मुझको नहीं सुनेगा। इसलिए प्रियजनों, प्रभु के भेजे हुए भक्त लोगों के द्वारा आपको स्वयं प्रभु की वाणी सुनने को मिलेगा। इन दिनों प्रभु आपसे जो बातें करना चाहते हैं, आपको जो बोलना चाहेंगे, यहाँ पर आप श्रद्धा से सुनेंगे, प्रभु स्वयं आपको बोलेंगे। क्योंकि वो इसलिए आपका स्वागत किया है कि वो ईश्वर के राज्य के बारे में आपको शिक्षा दे। बोले हालेलुया। जो भी ईश्वर के राज्य के बारे में सुनेंगे, ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा पाएंगे, उन सभी लोगों को क्या मिलेगा? अगला वचन 9:11 से हम बोल रहे हैं, ओके, लूकस 9:11 9:11 से हम बोल रहे हैं। और यीशु ने स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दिया और रोगियों को अच्छा किया। जब आप ईश्वर के राज्य की शिक्षा सुनेंगे
वो शिक्षा आपको अच्छा करेगा। ईश्वर के राज्य के बारे में जो वचन है वो वचन में अच्छा करने का सामर्थ्य है, इसलिए यीशु ने कहा मैंने जो वचन दिया उसके द्वारा तुम शुद्ध होगे हो, योहन 15:3। वचन के द्वारा हम चंगे हो जाते हैं, वचन भेज के प्रभु सबको अच्छा करता है। प्रवक्ता ग्रंथ 42:15, ईश्वर अपने वचन के द्वारा अपना काम करता है। By the words of the Lord, His works are done. ईश्वर अपने वचन के द्वारा अपना काम करता है। जब शुरू में जब कुछ नहीं था उस समय ईश्वर का वचन आया और सब कुछ बन गया। प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। बोले हल्लेलुया। सब कुछ ईश्वर वचन के द्वारा सृष्ट किया और आज भी हमारे जीवन में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चंगाई की ज़रूरत है, चमत्कार की ज़रूरत है, वचन के द्वारा प्रभु कार्य करेगा। वचन जो भी सुनेंगे उनके जीवन में प्रभु का नया काम होगा। अब हम वचन प्यार से सुनेंगे, लेकिन यीशु कौन सा वचन सुनाते हैं? ईश्वर के राज्य के बारे में सुनाते हैं। इसलिए आइए हम सुनते हैं ईश्वर के राज्य के रहस्यों को प्रभु हम पर प्रकट करने जा रहे हैं। इसलिए प्रभु से कहिए, प्रभु बोलिए मैं सुन रहा हूँ। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु हमसे बात कीजिए, हम सुन रहे हैं। मरियम की तरह हम भी कहते हैं, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मरियम की तरह अपने को समर्पित करता हूँ। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:38 बाइबल है तो खोल दीजिए, लूकस 1:38 मेरे साथ दोहराइए। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:38। मरियम ने जब वचन सुनाया गया उनको स्वर्ग दूत के द्वारा, ईश्वर की वाणी पहुंचाई गई, तो उसने तुरंत स्वीकार किया। मरियम की मध्यस्थता से हम भी ये कृपा मांगते हैं, जो भी वचन प्रभु हमको बोलेंगे एक एक वचन को हम पूरा होने को लिए दिल में रखें, हम स्वीकार कर सके और वचन को हम ना टुकराए। वचन कीमती मोती है, जिसको हम गंभीरता से लेंगे, वचन का हम आदर करेंगे, स्वागत करेंगे, वो वचन हमारे लिए ऐसा कार्य करेंगे और कोई भी कर न सका वो कार्य ईश्वर का वचन, मसीह का वचन हमारे लिए कर बैठेगा। इसलिए जब वचन सुनाई गई मरियम ने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ। दास वो है जो अपनी मर्जी पे नहीं चलता, बल्कि जिसको उसने लगाया काम में उसकी मर्जी पे चलता है वो दास है। इच्छा हमारा नहीं बल्कि उसका। मत्ती 6:33 यीशु ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब कुछ तुम्हें यूं ही दिया जाएगा। बोले हालेलुया। तुम सबसे पहले, सबसे पहले मतलब काफ़ी चीज़ करने के लिए होगा, उसमें सबसे पहले ये करना है। तुम सबसे पहले, सबसे पहले मतलब इसको प्रोमिनेंस, इसको इम्पोर्टेंस देना। काफ़ी कार्य के बीच में बच्चे की पढ़ाई है, उनको शायद एडमिशन दिलाने का काम बाकी है, लेकिन सबसे पहले चंगाई के लिए, शायद इसके तुरंत बाद दूसरा बड़ा हॉस्पिटल जाने के लिए बाकी है, लेकिन उसके पहले घर में आपको बहुत बड़ी एक प्रभु की चमत्कार की ज़रूरत है, लेकिन आप घर के लिए आशीर्वाद मांगने से पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता, दो चीज़, राज्य और धार्मिकता, राज्य और धार्मिकता, ईश्वर के राज्य और उस धार्मिकता की खोज में लगे रहो, खोज करो।
यूं ही मिल जाएगा, चमत्कार मिल जाएगा, घर में आशीर्वाद आ जाएगा, चंगाई मिल जाएगी, घर में बदलाव आ जाएगा, नवीनीकरण जरूर आएंगे, बच्चे जरूर बदलेंगे। लेकिन क्या करो, सबसे पहले ईश्वर के राज्य की धार्मिकता की खोज करो। चमत्कार क्यों नहीं हो रहे हैं? ईश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज सबसे पहले किया नहीं होगा। फर्स्ट प्लेस ईश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को नहीं दिया होगा, इसलिए बाकी चीजें अभी तक यूं ही नहीं मिला है। हग्गाई नबी का अध्याय 1:6 में लिखा है, हग्गाई Chapter 1:6 onwards, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, तुमने बहुत बोया किंतु बहुत कम लूटते हो, तुम खाते हो तृप्ति नहीं मिलते, पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझते, कपड़ा पहनते तो है लेकिन शरीर गर्म नहीं रहता, मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु छेद वाली थैली पे जाता है। मजदूर वेतन तो पाता है किंतु छेद वाली थैली पे जाती है। इसलिए कई लोग बोलता है, फादर जी पैसा आता तो है लेकिन कहाँ जाता पता नहीं चलता, महीना के अंत तक कुछ होता नहीं है और मांगना पड़ता है किसी और से, कर्ज में उधार लेना पड़ता है। पैसा तो आता है, 10,000 आता है, 20,000 आता है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं चला जाता है, या तो कोई बीमार हो जाता है, नहीं तो चोरी में चला जाता है, नहीं तो बैंक में किस्त चुकाना पड़ता है, कुछ कुछ आ जाता है। पैसा भरता नहीं है, होता नहीं है, मेहनत तो करता है कुछ होता नहीं है। कारण क्या, क्या ऊपर वाले की मर्जी है? कुछ लोग बोलकर बैठता है, सब ऊपर वाले की मर्जी है, सब ऐसा अच्छा ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, नहीं है, सब ऊपर वाले की मर्जी नहीं। इसलिए प्रभु कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, क्या ये मेरे मर्जी है तुम्हारे साथ जो हो रही है? कारण क्या होगा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज, धार्मिकता की खोज नहीं किया होगा, करता होगा लास्ट में। पहले पहले क्या क्या करता है, अपना कार्य, अपने बच्चों का कार्य, पढ़ाई का कार्य, ट्यूशन का कार्य पहले रखता है, बाद में प्रभु का काम थोड़ा सा देखता है, समय मिलने से थोड़ा सा प्रार्थना भी कर लेता है। 24 घंटे में बराबर हमारा काम को पहले पहले कर लेता है और प्रभु के कार्य को ढकेल ढकेल के लास्ट में करके रखता है। घर की प्रार्थना के पहले टीवी पूरा देख लेता है, ट्यूशन भी करके रखता है, खाना बनाता है, खाना खा भी लेता है, लास्ट में जाके सोने के लिए नींद चढ़ा हुआ पूरा टाइम जब अभी एकदम सोने जैसा हो गया तब जाके, चलो भाई प्रार्थना नहीं किया। तब तक कुछ लोग एकदम बीमार हो गया होगा, मतलब सोने जैसा हो गया, कुछ लोग ऑलरेडी पलंग पे आ गया, कुछ लोग आधा सोया हुआ है, नाम के वास्ते चलो भाई आज हम लोग एक भेद करके सो जाता है, और क्या थोड़ा सा प्रार्थना किया एक भेद के पहले, कुछ लोग फिर से सो गया और नाम के वास्ते थोड़ा प्रार्थना करके सो गया, सोचता है सब ठीक है, हम प्रभु को याद किया, लेकिन कब अच्छा टाइम पूरा अपने लिए परोसने के बाद थोड़ा वेस्ट प्रभु को थोड़ा परोसा, किसी काम का नहीं था वो टाइम, बढ़िया टाइम पूरा, प्राइम टाइम पूरा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खाने के लिए, टीवी देखने के लिए प्राइम टाइम दिया, लास्ट में जाकर थोड़ा सा बेकार का टाइम, वेस्ट वाला टाइम, नींद चढ़ा हुआ लास्ट वाला टाइम थोड़ा प्रभु को देने के बाद आप सोचता है सब ठीक है। क्या आपने प्रभु का आदर किया कि प्रभु की निंदा किया? प्रभु का आदर नहीं हुआ, वेदी का आदर नहीं हुआ, बल्कि वहां पर ईश्वर की निंदा हुई है, क्योंकि आपने वेस्ट प्रभु को दिया, बढ़िया पूरा परोसा अपने लिए, प्राइम टाइम अपने लिए लगाया और लास्ट वाला टाइम थोड़ा सा प्रभु को दिया। नहीं चाहिए तेरा वेस्ट, प्रभु तेरे वेस्ट को चाहने वाला नहीं है, देता है तो बढ़िया देना, नहीं तो नहीं चाहिए प्रभु को। बोले हल्लेलुया। आज कई लोगों की घर की हालत इतनी बिगड़ी हुई क्यों है? क्योंकि प्रभु का आदर नहीं हुआ। बोले हल्लेलुया। इसलिए सामूएल का पहला पुस्तक अध्याय 2:30 में लिखा है, 1 Samuel 2:30, जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा, जो मेरा आदर नहीं करेगा वो तुच्छ समझा जाएगा। आओ, जितना आदर प्रभु को देना चाहिए, सब कुछ के सृष्टिकर्ता, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने माँ के गर्भ में हमारा आने के पहले से हमको जाना,
हमारा नाम रखा हथेली पे, हमको अंकित कर कर रखा। आज भी हमारी कमी कमजोरियों के बावजूद हम पर दया करते हुए हमें सुरक्षित रखा, उस प्रभु का आदर नहीं होता। कई लोग प्रभु का आदर नाम के वास्ते केवल करता है, और इसलिए क्रूस का चिन्ह भी बढ़िया से बना नहीं पाता, कुछ ऐसा ऐसा करके टेढ़ा मेढ़ा क्रूस बना के प्रभु की निंदा करता है। प्रभु को देना है तो प्रभु मांगता है समर्पण, अच्छा देना। किसी तरीके से प्रभु को थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूशन जो देता है, थोड़ा सा कुछ प्रभु को देगा, प्रभु तेरा कंट्रीब्यूशन नहीं मांगता, प्रभु कमिटमेंट और समर्पण मांगता है। इसलिए ईश्वर के राज को गंभीरता से लीजिए, ईश्वर की धार्मिकता के बारे में सोचना और उसकी खोज करना शुरू कीजिए, चमत्कार देखना आप भी प्रारंभ करेंगे। बोलिए आमीन। क्योंकि जिन्होंने अब तक ईश्वर को पहला स्थान दिया है, सबसे पहले उनकी खोज करना शुरू किया है, उनके जीवन में चमत्कार कभी बंद नहीं हुआ है। क्योंकि ईश्वर अपने वचन पे पक्के है, वो झूठ नहीं बोलता। ये वचन में लिखी हुई एक एक बात पूरी होगी, पूरी हुई बिना नहीं ठलेगी। इसलिए आप विश्वास कर सकते हैं, अगर यीशु ने बोला है सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सब यूं ही दिया जाएगा। मतलब अभी तक आप विश्वास किया हो या नहीं किया हो, आज विश्वास करें, मुझे क्या करना है, मेरे तकलीफ के समय में ईश्वर के राज्य की खोज करना है। आपकी परेशानी एक बुलाहट है, ईश्वर के राज्य को पहला स्थान देने की बुलाहट है। आपकी घर की तकलीफ एक बुलाहट है, ईश्वर की धार्मिकता की खोज करने की बुलाहट है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब सूखा सूखा सूना सूना लगता है। वचन का स्वागत करके देखो, बहुत कुछ होने लगता है। आ प्रभु कहता है, मैं मरुभूमि में नदियां बहाऊंगा, समुद्र में तुम्हारे लिए रास्ता खोलूंगा। बोले हल्लेलुया। ईश्वर का राज्य क्या चीज है? जब यीशु धरती पे आया, हमारे बीच में आया, और यीशु हमसे कहा, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और यीशु बोला, मैं तुम्हारे बीच में हूं, मतलब ईश्वर का राज्य बीच में है। इसका मतलब ईश्वर का राज्य इज इक्वल टू जीसस क्राइस्ट, द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। द किंगडम ऑफ गॉड इज इक्वल टू द पर्सन कॉल्ड जीसस क्राइस्ट। ईश्वर का राज्य एक जगह नहीं है, एक व्यक्ति है। ईश्वर का राज्य यीशु है, उसका नाम। बोले हालेलुया। इसलिए ईश्वर के राज की खोज करो, मतलब यीशु की खोज करो। ईश्वर के राज को प्यार करो, मतलब यीशु को प्यार करो। बोले हालेलुया। जहां यीशु है वहां ईश्वर का राज्य है। बोले हालेलुया। यूहन के सुसमाचार में अध्याय एक में हम लोग देखते हैं वचन 35 से लेकर, वहां पर यीशु के एक शिष्य, मतलब यीशु को इस धरती पर प्रकट करने वाले, यीशु को इस धरती पर यीशु के रास्ते की तैयारी करने वाले योहन बपतिस्ता दो शिष्यों के साथ खड़ा था, और यीशु वहां से गुजरा। यीशु को देखे योहन बपतिस्ता ने बोला, देखो ये ईश्वर का बलित मेमना है जो संसार के पाप उठाने आए हैं। जैसे इन लोगों ने, योहन का दो शिष्य लोगों ने सुना ये ईश्वर का मेमना है, तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने योहन को छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया। बोले हालेलुया। योहन को छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया। तब यीशु थोड़ी देर चलने के बाद रुक गया और मुड़कर देखा और इनको देखा और पूछा, क्या चाहते हो? What are you looking for? क्या चाहते हो, मतलब क्या ढूंढते हो? बोले हालेलुया। तब ये दो शिष्य लोग यीशु के इस प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया, कैसे दिया, क्या बोला, आप कहाँ रहते हो? बोले हालेलुया। यीशु ने क्या पूछा,
क्या चाहते हो? तो इल्लो बोलता है कहाँ रहते हो, है ये क्या है? बोले हालेलुया। अरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, लेकिन इन लोग उत्तर के रूप में दूसरा प्रश्न डालता है। यीशु ने पूछा क्या चाहते हो, इन लोग बोलता है कहाँ रहते हो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, हम आपके घर देखना चाहते हैं, आप कहाँ रहते हैं हम भी आकर रहना चाहते हैं। मतलब हम आपको चाहते हैं, हम आपके संग रहना चाहते हैं, इसका मतलब यही है। तब यीशु ने बोला आओ और देखो, कम अनसी। बोले हालेलुया। जब इनको यीशु ने बोला कम अनसी, ये गए। अगला वचन कहता है रेस्ट ऑफ द डे दे स्पेंड विद हिम, दिन के बाकी समय वे यीशु के साथ बिताए। इसका मतलब क्या होगा, कुछ घंटे बिताए नहीं है, दिन के बाकी समय, दिन 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 रहते ये सब करो। यीशु बोलता है क्या है दिन, जब तक प्रकाश है तब तक दिन है, जब अंधकार आता है तब रात है। दिन के बाकी समय रेस्ट ऑफ द डे दे स्पेंड विद हिम मतलब क्या है, यीशु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरे साथ रहेगा अंधकार में नहीं भटकेगा। इसका मतलब क्या है, यीशु जब साथ है तब दिन है, यीशु जब नहीं रह जाता है, जो यीशु को छोड़ता है वो रात में है। इसलिए रेस्ट ऑफ द डे दिन के बाकी समय वे यीशु के साथ रहा, वो एक बार गए यीशु को फिर नहीं छोड़े, इसलिए वे यीशु के साथ रहे, यीशु की खोज किया और यीशु को मिल गया, यीशु के साथ रहा। लेकिन एक वचन बाद में योहन के सुसमाचार में हम बाद में पढ़ते हैं, एक शिष्य यीशु को छोड़ा, तब लिखा है तब रात थी। यूदस संसार की ज्योति के साथ 3 साल रहने वाले, जिस दिन यीशु को छोड़ा उस दिन उनको रात घेर लिया। तब लिखा है जब वो यीशु को छोड़कर गया, तब लिखा है तब रात थी, उसके लिए रात हो गया, यीशु को छोड़ा। इसलिए सबसे पहला प्रश्न बाइबल के अनुसार, योहन के सुसमाचार के अनुसार, जीसस के मुंह से निकला पहला शब्द यही है, क्या चाहते हो, क्या ढूंढते हो, क्या ढूंढते हो, क्या ढूंढने आया, चंगाई ढूंढते हो, क्या ढूंढने आया, पैसा ढूंढ रहा, बेटा बिगड़ा हुआ है इसलिए आए हो, क्या ढूंढते हो, क्यों बैठे हो यहां पर, क्या ढूंढते आए हो, तुम्हारे पहले प्यार क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आप क्या के लिए आए हो, किसके लिए आए हो, क्या चीज ढूंढते हुए आया, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपकी आंखों में देखे, आपका नाम लिखे, बेटा मेरी बेटी क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। उस समय शायद हम बोलेंगे हमको घर में प्रॉब्लम है ना, हमारा कमर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ ना। बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या मांगोगे, क्या ढूंढते हो। बोले हालेलुया, हालेलुया। एक लंगड़ा था, ईश्वर उनके सामने प्रकट हो गया और पूछा क्या चाहते हो, तो बोला सोने का एक डंडा दे दो। बोला भाई देखा, ईश्वर पूछता है क्या चाहिए, तो तुरंत हो मांगता है, मेरा डंडा अभी बांबू का है, एक सोना का कर दो बोलता है। कुछ लोग इस तरह है, प्रभु जब सामने आता है तब भी अंडा मांगता है और कुछ पैसा मांगता है और फालतू वालतू बातें केवल मांगता है। क्या चाहते हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, प्रभु आपसे पूछता है क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, बोलिए ना, क्यों आए हैं, यीशु चाहिए, वी वांट जीसस, हम आपको पाने आए हैं, हमको आपसे मतलब है, आप आएंगे बाकी सब आ जाएगा, आमीन। बोले हालेलुया। हम में कई लोगों में यीशु के लिए एक आग्रह नहीं है, प्रभु के लिए प्यार नहीं है, प्यार अभी भी
हमारे घर का तकलीफ दूर होना और पैसा का प्रॉब्लम ठीक होना, फालतू चीज़ें दुनिया की चीज़ें केवल है, उससे ज़्यादा प्रभु से।